ये हमारा जगह लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट परमपुतु सर्कल, पहले अपर यचुली 02 का नाम से था, अभी न्यू क्रेशन परमपुतु सर्कल में पड़ता है। हमारा रोड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो गया है, सच कहूँ तो। ये हमारा क्या था, जब से AAC टीम निकला है, देखिए हमारा ये घर का सामने का रोड है, ये जो 0 से 17-18 किलोमीटर का आसपास में रहता है, 16-18 का आसपास रहता है। रोड बहुत स्पीड तेज गड्डी से बना गया है। तो मैं एक्चुअली आज लाइव आने का मकसद रोड बनाने वाला को थैंक यू कहने का, साथ साथ में जो रोड का साथ में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कॉर्नर का नाला। तो आप नाला को देखिए, रोड तो अच्छा बनाया है, मैं इसको तारीफ करता हूँ, लेकिन ये जो रोड बनाया है नाला देखिए, तो क्या नाला का कोई नाला इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? जब हाईवे रोड बनता है तो नाला क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? बनाया हुआ 2 दिन नहीं हुआ, शायद ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरा मानो तो लगभग 2-3 या मुश्किल से 1-2 महीना ही हुआ होगा, फिर भी ऐसा ही बनाया, साथ साथ में टूट के गिर गया। इसमें कोई प्रेशर नहीं दिया, कोई धक्का धुक्की नहीं किया, ऐसे ही बनाने का साथ साथ में खत्म कहानी हो गया है। तो सोचिए ये, और आगे मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आप लोग को। ये मेरा मानो तो रोड तभी लास्टिंग चलता है जब जब नाला सही से बनाया जाता है। तो ये नाला को कौन बनाया है पता नहीं है, और कालबाट का तो हम बाद में कल परसों दिखाएंगे। कालबाट भी ऐसे डुप्लीकेट कालबाट बना के रखा है। और ये नाला देखिए, तो इसका देखो क्या हुआ, इसका रोड तो इतना अच्छा बनाया है लेकिन नाला ऐसे टार्ट क्लास, सिर्फ पैसा लेने के लिए कौन नाला ऐसे बनाया है? हम सुनने में आया ये साइड लोकल लोग ने बनाया है बोल के, जो भी बनाया है, लेकिन इस तरह से तो नहीं बनाना चाहिए ना। और नाला जब सही नहीं रहेगा तो रोड तो ऑब्वियसली बर्बाद होगा ही, बहुत जल्दी बर्बाद होगा। तो आप लोग को फिर से बता दूँ, ये रोड जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑल 0 से लेके ये 17-18 किलोमीटर का आसपास पड़ता है। देखो ये है नाला, तो ये नाला बनाने वाला किस हिसाब से नाला बनाया है? खाली पैसा खाने के लिए बनाया होगा, देख के तो ऐसे लग रहा है। नाला तो रोड बनाया वाला रिसेंटली बनाया है, इतना जल्दी खुद ब खुद ऑटोमेटिक टूट के बहता हुआ है रोड, सॉरी नाला, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता ना ऐसे होने से। तो ऐसे ही हम लोग का करप्शन चारों तरफ है। आजकल क्रिसमस में भी जाके देखा है, क्रिसमस में भी बहुत करप्टेड है। आजकल रिलीजियस में भी करप्शन है, उपाय नहीं। एक दूसरा 2-3-4 चर्च मिलके एक गांव में आके क्रिसमस जॉइंट क्रिसमस मनाता है, तो उसमें भी कुछ लोगों का ये मानना है कि डोनेशन इतना उठाता है तो खाना पीना सफिशेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है ऐसा। खैर हम उसका चर्च का बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें भी बहुत करप्शन है। देखिए नाला देखो कैसा बना है, ये किस तरह का नाला बना है, 2 दिन नहीं हुआ नाला गिर के ऐसा हालत हो गया। तो ये तो अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी आज 25 दिसंबर है, फिर भी ऐसा मौसम है। तो कल को बारिश का मौसम आएगा तो ये नाला का वजह से ही पूरा ये क्या बोलता है रोड बर्बाद होगा, रोड का सत्यानाश होगा। तो जो भी बनाया रोड को तो अच्छा बनाया। हमारा PM सॉरी CM पेमा खांडू, जब से AAC का चर्चा होने लग गया, सब MLA को इम्पोर्टेंट लेके, हर जगह को इम्पोर्टेंट लेके डेवलपमेंट अच्छा कर रहा है, लेकिन अच्छा करते हुए भी उपाय नहीं, करप्शन है। नाला उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे खाना खाने से चावल का साथ सब्जी जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उतना एक रोड में नाला का भी रोल इम्पोर्टेंट है। तो नाला में इतना करप्शन करना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। और देखो नाला एक्चुअली थोड़ा मेरा हिसाब से हाईवे का उसका हिसाब से तो थोड़ा सा ये पहाड़ का दीवार से थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, लेकिन यहाँ में तो बिल्कुल डिस्टेंस नहीं, 2 दिन नहीं हुआ लैंडस्लाइड होके नाला में वो हो गया, मिट्टी से भर गया। देखो
अभी बारिश होगा तो क्या हालत होगा, फिर यहाँ से पूरा पानी भर के ये रोड में आ जाएगा, फिर पूरा रोड बर्बाद हो जाएगा। तो रोड चाहे जितना भी अच्छा स्ट्रोंग बनाओ, नाला सही नहीं रहेगा तो रोड को बर्बाद होने में समय लगता नहीं है, काम नहीं हो जाता है, ऐसा ही हालत है। तो मैं एक्चुअली इसलिए लाइव आके दिखाया, मेरा किसी को दुश्मनी नहीं है, किससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट का बात किया जाए तो ये रोड हमारा भी है, हमें भी उतना ही हक है जितना सीएम पीएम को हक है, तो हमें भी सवाल करने का राइट है, हमारा रोड है, हम हर दिन टैक्स भरते हैं, एक सेंटर पॉइंट चबाने से भी इनडायरेक्ट टैक्स भर के हम खा सेंटर पॉइंट चबाते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट हमारा पब्लिक का काम इस तरह से डुप्लीकेट सिर्फ पैसा लूटने के लिए करेगा, जहाँ जहाँ में मेरे को दिखाई देगा मैं सीधा दिखाऊंगा, दिखाता रहूँगा, वीडियो उतारता रहूँगा। और जो कंट्रैक्टर है हमारा स्पेशली परामपोस सर्कल में जितना बड़ा बड़ा लोग हैं जो कंट्रैक्ट वंट्रैक्ट काम करता है, प्लीज़ आप लोग पैसा जितना खाना है खाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का डेवलपमेंट को थोड़ा सही से कर दीजिए, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। हालांकि ये रोड तो शायद ये है नेशनल स्कीम है, हमारा गांव ये से सीओ से कोई मतलब सर्कल से कोई लेन देन नहीं होता होगा, फिर भी सुनने में आया ये नाला जो है हमारा लोकल लोग ने बनाया था बोल के, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसे सुनने में आया है। तो मेरा लोकल लोग से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग अपना काम सही ढंग से कीजिए, नहीं तो मुझे इस तरह से वीडियो आके दिखाना पड़ेगा, कल को आप लोग ही मेरे को खराब पाएगा, और मैं आप यहाँ में कोई दूसरा तो है नहीं, अपना आपस में झगड़ा पसा दुश्मनी गिरी ये सब हम बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू।